ईयर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 की शुरुआत आपकी बहुत ही मीठी और अच्छी हो। और आप लोग मौसम देख सकते हो दोस्तों, अभी टाइमिंग की बात करूँ तो लगभग 2 बज रहे हैं और 2 बजे भी नहीं, कोहरा ज्यादा और कोहरा देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा है। पीछे की साइड आप लोग देखो नजारा बहुत ही ज्यादा कोहरा है, क्योंकि इधर साइड में बैठे नदी है ना, तो उसी की वजह से हो रहा है। नदी तालाब मतलब नहीं। और ये भी बता दो कि जाने वाले कहाँ हैं हम लोग अभी? दोस्तों हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, बस एक बेकरी पे जा रहे हैं जिसका हमें ब्लॉग बनाना है, मतलब उन्होंने कहा हमारा मतलब। और हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना घर पे भी न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट की जाए। तो आपको मजा तो तब आएगा जब हम लोग घर पे सेलिब्रेट करेंगे। अरे कितना आग लगा देंगे आग भाई डांस करते करते। मजा ही अलग आता है जब ग्रुप में डांस किया जाए, तो मजा ही। और आदित्य भाई देखो हमारे साथ आए वैसे तो ब्रो। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग उधर साइड में, इधर साइड में थोड़े से और आगे जाना है आगे। और मैं आपको बताऊँ जब मैं वीडियो डालू तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, और अगर आप लोग बरेली से बिलोंग करते हैं तो उसे बेकरी को एक बार जरूर विजिट करें। बेकरी को जरूर देखें और बेकरी के बाद जो मजा आएगा उसको जरूर देखना, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बेकरी पे, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पीछे साइड, क्योंकि इसका हम फुल ब्लॉग बनाएंगे आप लोग वो जरूर देखना, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इसको काफी अच्छे से डेकोरेट किया है, अंदर से दिखाऊंगी वो अभी। सुनो, नहीं सुनो वो बेकरी वाले ब्लॉग। बरेली एक्स वाई जेड इधर चौवाली वगैरह किसी में भी रहता हो तो यहाँ पे आ सकता है, बहुत ही अच्छा डोमिनोज। एड्रेस मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? आप लोग आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और पिज्जा खाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको फिर डायरेक्ट बरेली जाना पड़े, यहाँ पे भी आ सकते हैं। हाँ करेली में आराम से आ सकते हो, अगर आप लोग बरेली छोड़ो कभी करेली भी ट्राई करो। तो गाइस हमने यहाँ की पूरी वीडियो है उसको शूट कर लिया है, और न्यू ईयर में देखिए हम लोग कहाँ घूम रहे हैं आप लोग खुद देख सकते हो। घर पे जाके अच्छी मस्ती होगी हमारी। और यहाँ पे बच्चे भी आए हैं पार्टी करने के लिए, इधर साइड में देख सकते हो काफी लोग हैं। और ऐसे बच्चे जिससे अभी पिज्जा खाने की स्टोरी पहले लगा दी लग रही है पेंडिंग में, धीरे धीरे अभी ऐड की जा रही है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं घर के लिए, अभी यहाँ पे हमारा पिज्जा आ रहा है तो उसको खाएंगे, कुछ ले जाते हैं उसकी क्वालिटी दिखाएंगे और पिज्जा एंजॉय कर रहे हैं। अभी आने वाला है और फिर उसके बाद निकलेगी घर के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया घर के लिए भी कुछ लेके जाएंगे, पार्टी वहाँ पे भी करेंगे। तो फ्रेंड्स पिज्जा आ चुका है आप लोग देख सकते हो, ये देखिए पिज्जा, ये आदित्य बैठा है और ये देखिए, चलिए इसको खोलते हैं, खोलो देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा टेस्टी आपको पिज्जा लगेगा देखने में, आप लोग खुद ही देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक दी है और देखिए यहाँ पर काफी अच्छा लगा मुझे तो काफी पिज्जा। ओए टेस्ट करके बताना कैसा है, ठीक है? देखो भाई इसका पिज्जा रेडी करने में बिल्कुल ही बिजी है ना, अभी बिजी हो गई क्या, वैसे तो नहीं थी। तो आप लोग देख सकते हो पिज्जा की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों मैं आपको भी खा के बताऊंगी कैसा लग रहा है, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो भाई पिज्जा बहुत ज्यादा टेस्टी है, ऐसा खाया डोमिनोज में कभी? भाई डोमिनोज में ऐसा पिज्जा आपको नहीं मिलेगा, मैं सही बता रही हूँ। तो इस पिज्जा का टेस्ट है वो काफी अच्छा है, आप लोग एक बार आके यहाँ पर ट्राई करें, है ना? थोड़ा इन लोगों से पूछते हैं कैसा लग रहा है पिज्जा आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं इतने लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना, तो आप लोग एक बार आके यहाँ पे जरूर ट्राई करें। अगर आप लोग यहाँ नहीं आ पाते तो आप लोग होम डिलीवरी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं घर, देखिए शिखा देखिए घर आके पिज्जा खा रही है, हमारा रह गया था ना तो वही। और मैं भी खा रही हूँ, मेरा थोड़ा सा ये रखा है। और मैं ये बता दूं हम लोग लेके आए मम्मी के लिए एक सरप्राइज केक, है ना? केक लाए आज हमारी मम्मी का ना बर्थडे है, हमने आपको बताया नहीं था 1 जनवरी को मम्मी का बर्थडे होता है और नियर भी है, तो मम्मी से ही केक कट कराएंगे, ठीक है? आज मेरी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में, देख सकते हो गाइस, देखिए क्या हुआ न्यू ईयर वाले दिन। बेटा क्या हो गया तुझे? बता नहीं सकती सच्चाई, बता दे कोई बात नहीं, अंदर की अंदर इसकी वजह से ये लड़ाई करवा रहा है ये न्यू ईयर पे। और इसका ये हो तो ही गया कोटरे को, आग लगाता रहता है घर में। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखिए दीवार हमारी सिंपल है तो हम सोच रहे हैं आज इसमें थोड़े से गुब्बारे लगा लें, और मम्मी का बर्थडे है तो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। केक मैंने आपको नहीं दिखाया तो केक भी दिखाऊंगी। तो अभी जा रहे हैं बैलून लेने, चले अपन लोग चले बैलून लेके, इतनी दूर भी दुकान नहीं है कि चले अपने लोग चले, जैसे हेलीकॉप्टर से जाओगे। तो चलो अब हम बैलून मंगा रहे थे इससे, ये देखिए ठलुआ घूम रहा है, हूं हूं करके चलो फुला। और हम लगाते हैं यहाँ पे थोड़े से इस पर्दे को, थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं अपना,
और चलिए भाई न्यू ईयर सेलिब्रेट। ये तो चलो बैलून मंगाते। ए आदित्य जा बैलून लेके आ। फ्रेंड्स हमारे गुब्बारे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए भाई गुब्बारे आ गए। ये देखो ये लोग फुलाएंगे आराम से। रेडी हो? रेडी हो? अरे फूल लगे तो भाई सब गुब्बारे फूल जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है? हाँ हाँ वही बिल्कुल। वाह ये देखो एक फूल गया, ये देखो फूट के ना कहीं मुंह पे ना लग जाए। हाँ देखो 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 लगे पड़े हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए। किससे बोल रही? तुम लोगों से। हम इस करके नहीं है क्या? तुम इस करके सपोर्ट कर रहे हैं क्या? ब्लॉग तो ये हमारी वजह से बन रहा है ना, बनता है। कितनी झूठी है। तुम्हें थैंक यू हमारा सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम सब ने मिलके गुब्बारों को फुला दिया, आप लोग देख सकते हो हमारे कितने गुब्बारे इकट्ठे हो चुके हैं। सारे मैंने फुलाए। बता चुप रहे बेटा, साथ है झापड़ है कि साल ही चुप रहे। मैं ये कह रही ये बता है झूठी शिकायत देखने के लिए, बता क्या कह रहा ब्लॉग बन रहा, फूले हुए गुब्बारे को मुंह से लगा रहा ताकि आप लोगों को लगना चाहिए सारे गुब्बारे। देख लो आजकल दुनिया दिखावे चलती है, और इंसान कितनी मेहनत कर ले वो किसी को नहीं पता, बस दिखा दिए एक गुब्बारा फुलाते हुए तो सारे उसी ने फुलाए। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हमारे गुब्बारे, और ये लग रहा है कि हाँ अभी हम इनको सबको लगाएंगे इधर उधर और आपको दिखाएंगे। पहले लगा लेते हैं ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। देखो भाई बिल्कुल हमारे गुब्बारे रेडी हैं, ये देखिए उड़ा रहा है गुब्बारे। शांत बैठ जा। अरे सिखा के मुंह पे बहुत गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आती है अगर ये ऐसी आज क्या है वैसे, आज है क्या? न्यू ईयर एंड मम्मी का बर्थडे, तो दोनों एक ही साथ है ठीक है। हम वैसे मम्मी का जन्मदिन मनाते तो नहीं, पर आज न्यू ईयर है और हम लोग तो सोचा क्यों ना आज मम्मी का जन्मदिन। पिछली बार मनाया था शायद? नहीं, नहीं मनाया था, कभी नहीं मनाते भाई इस बार। चलो अब रेडी हो जाओ। तो फ्रेंड्स अब कमरा खोलते हैं, देखते हैं कैसा है, कहीं अंधेरा तो नहीं है कमरे में। खोलो भाई, अरे ये तो बिल्कुल ही अंधेरा लग रहा है। अरे देखो भाई गुब्बारे लग गए सब, देख सकते हो आप लोग, और ये क्रेडिट जाता है इसको इसको एंड मुझको। हो मैं दिख नहीं रही, ले इधर से दिखा इसको मुझको। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कैसी लग रही है आप लोगों को डेकोरेशन, सब कुछ जितनी कर पाए उतनी कर ली अपनी खुशी। हमने सोचा एक दिन है और ज्यादा देखिए दीवारें ऊपर की हम खराब कर दी, लगा तो हम ऊपर दीवार लगाई नहीं क्योंकि पेंट छूट जाता अभी कराया भाई। तो फ्रेंड्स ये रहा केक जो कि हम अपनी मम्मी के लिए लेके आए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लस मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट। तो देखिए शिखा खूब धमाके से खोलने के लिए लगी पड़ी है ना। से क्या होता भाई? ये धमाका है, ये पटाखा है। देखिए तो हमने केक को खोल दिया, इस तरीके से ही रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हटा ले रहे, नहीं हटा लो, अच्छा नहीं लग रहा यार, ओल्ड फैशन लग रहा है। आप सही है ठीक है। तो हमने अब ये देखिए केक को रख दिया है, अभी इसको कट करेंगे। मैं कैंडल लेके आई हूँ, ये लगाते हैं केक के ऊपर क्योंकि नहीं तो केक रहेगा बहुत अधूरा अधूरा, तो इसीलिए सब लगा देते हैं जल्दी जल्दी ठीक है। तो यहाँ पर लगा देते ताकि केक हमारा अच्छा हो जाए और लगे भी हाँ ये बर्थडे का केक है ना। रुक जा, ये अंशिका तो हमेशा आग लगाने पे ही तुली रहती। क्या कह रही है? आग लगा, अरे आग लगाओ दीदी। मैंने कहा भाई अभी आग मत लगाओ। अरे रुक जाओ अभी, अभी दूर अंशिका नहीं, ये अंशिका को बहुत चुल लगी रहती है आग लगाने की। अभी से आते जाने देती नरे पावेंगे कल्ले के चल्ले नरे पावेंगे कल्ले। अभी से स्टार्टिंग भी कर दी यार इन्होंने क्या जलाने की। हम लोग रेडी हैं, आदित्य पता नहीं कहाँ भाग गया, अब वो वही मम्मी पीछे को पर है। अच्छा मम्मी के साथ बना, मम्मी साथ नहीं फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मम्मी आ चुकी हैं। अब भाई मम्मी को हमने बुला लिया, मम्मी बाल वगैरह काट के आई हैं। हाँ मम्मी रात में यार सोने की वजह से हम परेशान कर रहे हैं और बाल काटने पड़े मम्मी को। तो चलिए कोई ना आज मम्मी से केक कटाई लेते हैं। वैसे तो मम्मी ने कभी काटा नहीं, काटा नहीं काटा, नहीं काटा है। देखो यार मैं नहीं कर रहा, आप लोग देख सकते हो कि अभी तक इसने बिस नहीं किया। तो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बोल दो सबको, और आज हैप्पी न्यू ईयर। तो मम्मी के लिए हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। हम दिल से विश करते हैं आप लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, सब खुश रहे, सबकी फैमिली खुश रहे। मम्मी ने अभी तक थैंक यू नहीं बोला, थैंक यू आप सही हमारी ऑडियंस बनाते हैं। और भाई फटाफट आप लोग बस बने रहो ठीक है। वेट ऐसे ऐसे कर लियो, फाइनली मम्मी ने अभी केक काट दिया, आप लोग देख सकते हो मैंने रील्स बनाई, आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर देखना ठीक है। बहुत ही हमारे लिए स्पेशल डे हो गया भाई, और आज हमारी मम्मी का बर्थडे, तो भाई विश करना बिल्कुल ना भूले ठीक है।
तो कमेंट में लिखे हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस आज मैंने आपको काफी कुछ मतलब दिखाया, अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। तो कुछ इस तरीके से पहली बार केक काटा है। हाँ, हमारी मम्मी ने पहली बार केक काटा है और खास करके अपनी मम्मी का बर्थडे अभी मनाया है। वैसे सही बताऊं मुझे आज तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं केक काट पाऊं। इसके एंड्रॉइड की होंगे तभी काटेंगे बड़ा वाला केक। तो अभी मतलब मैंने अभी ये केक वगैरह सब कटवा लिया है। फोटो क्लिक कर ले जरा, फोटो क्लिक करेंगे, डांस करेंगे, वो भी दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट गाने पे देखो कौन सी गाने पे करते हैं। चलो चलो।